राजा परीक्षित ने कलयुग को कहां कहां स्थान दिया। सनातन धर्म के वेद पुराणों में चार युगों का वर्णन किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग को छोड़कर बाकी तीनों युगों में भगवान ने अनेक अवतार लिए एवं लोक कल्याण के लिए पाप का नाश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद जब कलयुग धरती लोक पर आया तो राजा परीक्षित ने कलयुग को कहां कहां स्थान दिया। अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए तब राजा परीक्षित इस धरती के स्वामी बन गए। इनके राजा बनने के 32 वर्ष बाद पृथ्वी पर कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जब आखेट करने के लिए गए तब रास्ते में कलयुग से राजा परीक्षित का साक्षात्कार हुआ। ऐसे आया धरती पर कलयुग। महाभारत खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ यात्रा की ओर चल दिए। ये जानकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित अपने राज्य को अपने पौत्र परीक्षित को राज सौंप कर हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। परीक्षित पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा परीक्षित शिकार हेतु वन में गए। वन में जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति डंडे से बैल को पीट रहा है और वही व्यक्ति गाय को अपने लात से मार रहा है। उस बैल के तीन पैर नहीं थे और वो अपने एक पैर पर खड़ा था। गाय बिल्कुल कामधेनु जैसी दिख रही थी। इस दृश्य को देखने के बाद राजा उसके पास गए, अपने हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रखते हुए क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, अधर्मी तू कौन है जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तुम्हारा कृत्य ऐसा है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग भय से कांपने लगा। राजा ने कलयुग को छोड़कर बैल से पूछा, हे भगवान, आपके तीन पैर कहां है? आप बैल है या देवता? इन बातों का बैल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखों से वो सब कुछ कह दिया। बैल की यह दशा देखकर राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। ऐसा देख कलयुग डरता हुआ राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। अब राजा सोच में पड़ गए और अपना विचार बदलते हुए अपनी शरण में आए व्यक्ति को नहीं मारा, इसलिए उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। राजा ने कलयुग को आदेश दिया। पांडव वंश के होने के कारण राजा परीक्षित भी बड़े ज्ञानी थे। थोड़े ही शब्दों में उन्होंने धर्म को बैल के रूप में और धरती माता को गाय के रूप में पहचान लिया। कलयुग को जीवन देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम पाप, झूठ, चोरी, छल और दरिद्रता के कारण हो। जब तुम मेरी शरण में आए तो मैंने तुम्हें जीवन दिया। अब तुम मेरे राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ और फिर कभी वापस मेरे राज्य की सीमा में मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और बोले, महाराज आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, आप बताइए मैं कहां जाऊं? अब मैं आपकी शरण में आया हूं, इसीलिए आप मुझे भी रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें रहने के लिए चार स्थान दिए, अर्थात जुआ, शराब, व्याभिचार अर्थात परस्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने राजा परीक्षित से निवेदन किया, हे राजन, ये चार स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया आप मुझे एक स्थान और रहने के लिए दे दें। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद राजा शिकार के लिए आगे निकल गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा ये भूल गए कि उन्होंने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, उसमें भी स्वर्ण जड़ित है। राजा के मुकुट में बैठ गए कलयुग। राजा से पांचवा स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, परंतु कुछ देर बाद ही सूक्ष्म रूप में वो वापस आ गया और राजा के मुकुट में लगे स्वर्ण में बैठ गया। राजा को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकार के लिए जाते हुए रास्ते में जब राजा को प्यास लगी तो वे पासी की कुटिया में चले गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए थे तथा शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अब राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इस प्रभाव के कारण राजा के मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया।
लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन कलयुग के दुष्ट प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने उनके साथ एक ऐसा मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि शम्मिक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। धरती पर किसी भी इंसान पर कलयुग का ये पहला प्रभाव था और उसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया। जब शम्मिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तो उसने देखा कि उनके पिता वहां नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन है और उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। शम्मिक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया। किंतु उनके पुत्र रिंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। इस पर उन्होंने श्राप दिया कि अगले 7 दिनों में तक्षक सर्प के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। जब शम्मिक ऋषि की साधना पूर्ण हुई और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को भिजवाई ताकि वो बेहद सावधान रहे। इस पर राजा ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र जनमेजय का राज तिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव से श्रीमद् भागवत कथा सुनी और 7वें दिन उनकी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो गई। जब जनमेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्पस्त्र यज्ञ किया। इस पर सभी सांप हवन कुंड में आकर गिरने लगे। भयभीत तक्षक ने स्वयं को इंद्र के सिंहासन में लपेट लिया और फिर आस्तिक ऋषि के समझाने पर जनमेजय ने अपना यज्ञ रोक लिया। फिर पृथ्वी पर ऐसा कोई समर्थ राजा नहीं बचा जो कलयुग को रोक पाया हो। क्या है कलयुग का सत्य? कलयुग में मनुष्य पाप भावों से घिरा रहेगा, वो किसी का सम्मान नहीं करेगा और लालच शक्ति और धन पर हावी रहेगा। सेक्स जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होगी। कोई भी इंसान किसी की निस्वार्थ सेवा नहीं करेगा। गुरुओं के सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण बुद्धिमान नहीं होंगे, क्षत्रिय अपना साहस खो देंगे और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं हो पाएंगे। ये सब बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आम लगती हैं। कलयुग में इंसान की सोच बस लालच और वासना से पूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। धन्यवाद।